हेल्थ केयर सेंटर का पालिका अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए आज नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बार्लूगंज क्षेत्र में हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल थे। बताते चले कि काफी लंबे समय से स्थानीय निवासियों की मांग थी कि यहां पर किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने से स्थानीय लोगों को दूर क्षेत्र में अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है, जिसे देखते हुए पालिका द्वारा यहां पर हेल्थ केयर सेंटर का निर्माण किया गया है। उम्मीद जताई कि चिकित्सा में भी लोगों को पूरी सुविधाएं मिलेंगी। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। जिसका मैं भी निवासी हूं, हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बार्लूगंज ने वीनू पर मुझे वो दिया जो हमारे बाकी उससे पहले के सारे जीवन में हमें नहीं मिल पाया। एक प्रशांत वातावरण, शांति नहीं प्रशांत वातावरण, प्रकृति की गोद, बच्चों का उसमें बड़ा होना, पढ़ना लिखना, योग्य बंदा कहीं चले जाना, ये है ब्यूटी बार्लूगंज की। यहां का शांत वातावरण बना रहे, यहां की जो सहजता है बार्लूगंज की वो बनी रहे, यहां की जो एकता और एक उससे मिलन है दिनेश जी वो बना रहे, ये मेरा बार्लूगंज वासियों से निवेदन है। और इसको हर मोहल्ले या पॉलिटिकली कहें तो हर वार्ड में ले जाएं तो बहुत बढ़िया बात हो। इतिहास ज्यादा नहीं जानता पर मुझे मालूम है कि एक टाइम था जब नगर पालिकाओं के कर्तव्यों में एजुकेशन और हेल्थ प्राइम थे। पालिका का दायित्व था, का भी दायित्व था, बायलॉज में लिखा, बाद में स्वास्थ्य विभाग ने उसको ओवरऑल टेक ओवर कर लिया। पर बहुत सालों पहले से मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं अंग्रेजों के टाइम में, इसका मतलब वो टाइम बहुत बढ़िया था, टाइम अब बढ़िया, पर बहुत पहले के जमाने में भी कुछ नगर पालिका द्वारा डिस्पेंसरी चलती थी। आप जानते हैं बायलॉज डिस्पेंसरी थी, लाइब्रेरी में डिस्पेंसरी थी, वो चलती थी। फिर उसके बाद पॉलिसी चेंज हो गई और सरकार ने कहा हम स्वास्थ्य विभाग वाले अपने आप काम चलाएंगे, आप बाकी चीजों को कीजिए। उस चीज को देखते हुए कि अब बायलॉज कोई मजबूरी ही नहीं करते कि ये ड्यूटी है अनुज गुप्ता जी की कि आप डिस्पेंसरी चलाइए, नो मोर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम। और ब्यूटी इस बात की ड्यूटी की है कि उन्होंने इसको जरूरी समझा कि कैसे हम इस संस्था को जिसको इतने सालों तक डॉक्टर बिष्ट और कुलदीप ने चलाया, आज स्वास्थ्य और आयु के कारणवश डॉक्टर बिष्ट साहब यहां हमारे बीच में बैठे हुए नहीं है, पर मैं अपनी आवाज और अपनी भावनाएं वहां तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने एक्सेलेंट सर्विस दी है बार्लूगंज को, उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी है मसूरी को। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा और उनकी दृष्टि से ये जो औषधि केंद्र जगह जगह खुले हैं, ना ही सिर्फ बार्लूगंज में, पूरे देश में, मसूरी में, ये आम जनता को एलोपैथी का इलाज जो कि महंगा है उसमें दवाइयों को सस्ता कर देने से बहुत ही बड़ी सुविधा है, सेवा है। ये एक ऐतिहासिक कदम है और मसूरी की जनता और सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन मसूरी, ये जो पहल है कि जनता इसमें विश्वास रख रही है और सीनियर सिटीजन ने ये तीसरी यूनिट अपनी मसूरी में इस्टेब्लिश की है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही ऐतिहासिक है। ये सब लोग एक अच्छे सद्भावना के साथ इस काम को कर रहे हैं, ईश्वर इन पे हमेशा कृपा रखे। इस समय युवाओं को थोड़ा सा फ्री मिलता है, वो फ्री तो रह नहीं सकते, अगर एक अच्छा जिम होगा जो होने वाला है, अच्छा का मतलब जिसमें कि युवा आकर्षित हों कि जिम के अच्छे उपकरण हैं, यहाँ पर महंगे उपकरण हैं और सहज उपकरण हैं जो कि उनके शरीर को अच्छा रूप देते हैं और शक्ति देते हैं, तो बहुत से नवयुवक तो इस कारण ही आ जाएंगे कि हमारी शक्ति और बाहुबलता दिखेगी तो हम और भी ज़्यादा अच्छे योग्य और स्मार्ट दिखेंगे। इस बहाने जो आएंगे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और शारीरिक परिश्रम करने से जो मन है वो भी सही लाइन पर आ जाता है और थोड़ा सा थकने के बाद फिर और बाकी चीज़ों की तरफ जाने की संभावना भी कम ही रह जाती है। ये एक बहुत बड़ी पहल है,
बाडलूगंज की ये मसूरी सिटी बोर्ड की ओर से शुरू की गई डिस्पेंसरी अपने आप में इसलिए अद्वितीय है क्योंकि ये समग्र स्वास्थ्य सेवाएं होलिस्टिक ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन का एक पहला उदाहरण है शहर में, जहां पर अंग्रेजी हिंदी बोलने वाले बहुत लोग हैं इस विषय पे बोलने वाले पर करने वाले कम रहे हैं। ये पहली एक डिस्पेंसरी है जिसमें कि बच्चों के क्रीड़ा के लिए एक पार्क भी प्राविधानित है, जिम प्राविधानित है, योगा सेंटर प्राविधानित है, सस्ती अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध हैं, अच्छे योग्य डॉक्टर हैं, मुस्कुराहट और दांत से आंत तक ठीक रखने के लिए अच्छे दांत के डॉक्टर। बहुत बड़ी सौगात झड़ीपानी बालूगंज चामासारी भट्टा कैरकुली और आसपास के क्षेत्रों को यहाँ पर हॉस्पिटल के रूप में मिली है और निश्चित तौर पर यहाँ पे एक एमडी डॉक्टर का यहाँ पे ओपीडी चलाने का यहाँ पे नियुक्ति अपने संसाधनों द्वारा सीनियर सिटीजन के माध्यम से यहाँ पर कराया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से इसका संचालन होगा। यहाँ पे डॉक्टर्स के अलावा पैथोलॉजी लैब भी यहाँ पे खोली जा रही है, इसके साथ साथ एम्बुलेंस, योगा सेंटर, जिमनेजियम, इन सब का भी प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। चिल्ड्रंस पार्क भी यहाँ पर एक बनाया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है बालूगंज हेल्थ केयर सेंटर एक मील का पत्थर यहाँ पर एक साबित होगा और जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता है जिनको छोटी छोटी दवाइयों के पीछे शहर में भागना पड़ता था उनको इससे निजात मिलेगी। कुल आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, आसपास के चाहे भट्टा कैरकुली हो, चाहे चामासारी खेतवारा हो, चाहे झड़ीपानी बालूगंज हो, जो भी आसपास के लोगों को जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैसिलिटी उनके द्वारा उनके लिए यहाँ पे खोली गई है। भविष्य में हमारी योजना है कि नगरपालिका की जितनी भी डिस्पेंसरीज जो कि बंद पड़ी है, जीर्ण हालत में पड़ी है, उनको दोबारा से उनका कंस्ट्रक्शन कराया जाए और इसी क्रम में हम लाइब्रेरी डिस्पेंसरी जिसका कार्य अगले महीने हम शुरू करने जा रहे हैं और 6 महीने वो बन के तैयार हो जाएगी, उसका भी इसी तर्ज पे हम उसका उद्घाटन करेंगे और वहाँ पे यही सब फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाएंगी। यहाँ पे युवाओं को यहाँ पे सौगात दी गई और जितने भी युवा पुस्तों पे बैठे रहते थे, जो नशे की तरफ ज़्यादा रुख करते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर है और मैं उनसे ये करूँगा कि अपना स्वास्थ्य रखें, अपना हेल्थ रखें, अपना हेल्थ का ध्यान रखें और निश्चित तौर पर ये आप ही लोगों के लिए बना है और इसका फ़ायदा उठाएँ।